गुजरात राज्यनी अनोखी पहल एवा ई एफआईआर एप विषयक माहिती शिवाडाना लोको सुधी पहोंचे अने लोको तेनो सरळताथी उपयोग करी शके ते माटे सरकार ने जागृत लोको द्वारा जागृतिना प्रयासो थई रह्या छे। त्यारे नवसारी शहेरमां ई एफआईआर जन जागृति कार्यक्रम योजवामां आव्यो छे। सूरत रेंज आईजी आर पांडेयनी अध्यक्षतामां योजायो छे। नवसारी शहेरनी मतिया पाटीदारवाड़ी नवसारी जिला पोलिस द्वारा ई एफआईआर अंगे कैम्पेन प्रोग्राम नो आयोजन करवामां आव्यो हतो। जिला पोलिस वडा ऋषिकेश उपाध्याय कार्यक्रम नी रूपरेखा रजू करी हती अने त्यारबाद उपस्थित पोलिस अधिकारीओ द्वारा शहेरीजनो अने कॉलेजना विद्यार्थी भाई बहनों ने ई एफआईआर अंगे क्यूआर कोड स्टेन्डिंग अने सीटिजन पोर्टल एप्लिकेशन अर्थे माहितगार करवामां आव्या हता। तेमज पोलिस ने कामगीरी अंगेना वीडियो अने ई एफआईआर अंगे प्रेजेंटेशन रजू करी विस्तृत जानकारी आपवामां आवी हती। गुजरात सरकार गृह विभाग द्वारा घना प्रजालक्षी कार्यक्रमों कर आ ई एफआईआर पर एम एक प्रोग्राम है। ऑलरेडी गुजरात सीटिजन पोर्टल में सीटिजन फर्स्ट एप है यहाँ एक नवी सुविधा उमेर कर द्वारा नागरिकों पोताना जो एफआईआर है खास कर मोबाइल चोरी अने वाहन चोरी ये लगता एफआईआर हवे पोलिस स्टेशन जवानी जरूरत नहीं पोताना घरे ऑफिसे अथवा गमे तेम कोईपण स्थले थी पोताना मोबाइल मार्फते आ एफआईआर नोंधणी करी शको छो। अने त्यारबाद विदिन 48 अवर्स तमारा पासे एक नॉमिनेटर अधिकारी आवीने तपास शुरू करशे अने एक प्रक्रिया विदिन 48 अवर्स ए पूरी करे नहीं तो उपरी अधिकारी ने ऑटोमेटिकली मेसेज जशे। एम कुल मळीने लगभग 120 अवर्स बाद कोई प्रक्रिया नहीं करवामां आवे तात्कालिक ऑटोमेटिकली एफआईआर तरीके अपलोड करवामां आवशे अने विदिन 30 डेज आ एफआईआर नोंधणी पछी तपास करनार चार्जशीट मुकावानो रहेशे। ए प्रोग्रेस पण नागरिको पोताना मोबाइल अथवा ईमेल द्वारा मॉनिटरिंग पण करी शके छे। थैंक यू।